हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते. आई एम डॉक्टर प्रज्ञा गोयल, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट क्लाउडलाइन हॉस्पिटल चंडीगढ़. आज मैं बात करूंगी लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कोविड ओमिक्रॉन एंड प्रेगनेंसी के बारे में. जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही टाइम होता है हैप्पीनेस का, होप का और ड्रीम्स का, लेकिन इस प्रेजेंट सिनेरियो में बिकॉज ऑफ कोविड हर जगह अनसर्टेनिटी फैली हुई है और इसकी वजह से बहुत ही प्रेगनेंट वुमेन में स्ट्रेस देखा जा रहा है. ओमिक्रॉन एक बहुत ही कंटेजियस वायरस है, दैट मीन्स कि बहुत ही तेज़ी से फैलता है, लेकिन हमें इसके लिए बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है. जैसा कि हम पिछले 2 सालों से देखते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ द की. हमें अपने आप को कैसे बचाना है, सबसे पहले हमें वही सेम चीज़ें अपनानी है जो कि हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं, दैट इज़ SMS, सैनिटाइजेशन, रिपीटेड हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना. इन सब चीज़ों से हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं. सेकेंडली, जहाँ ना हो सके वहाँ जाने से बचें. प्रेगनेंसी में स्पेशली अगर आपको कुछ बहुत ज़रूरी काम ना हो तो कृपया घर पे रहें. लार्ज गैदरिंग्स, पार्टीज़ और गेट टुगेदर्स को अवॉइड करें. अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी. वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपना वैक्सीनेशन शॉट ज़रूर लीजिए. कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों ही सेफ हैं प्रेगनेंसी में. डिफरेंट स्टडीज़ में पाया गया है कि बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं करती हैं. आप प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम में अपनी वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन से ही आप सीरियसली इल होने से बच पाएंगे. अगर आपको किसी कारणों से इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लीज़ डोंट पैनिक. अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में रहिए और माइल्ड सिम्टम्स के लिए आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं. जस्ट इन द एंड आई वॉन्ट टू से कि आप थोड़ा कॉशियस रहिए, काम रहिए, सो दैट आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकें. थैंक यू.